स्वागत है आप लोगों का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है थ्री फेज और सिंगल फेज, और इन दोनों का बेसिक डिफरेंस देखेंगे और इसका यूज़ देखेंगे। तो देखिए, थ्री फेज और सिंगल फेज का जो रिक्वायरमेंट है बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, और टू फेज भी यूज़ होता है। हालांकि हमारे सिक्स फेज भी हैं आपके, और 12 फेज भी मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप 12 फेज से ऊपर जाते हैं तो हारमोनिक्स और भी कॉम्प्लिकेटेड आ सकते हैं, और उनका जो रिक्वायरमेंट है और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं तो उसको एनालिसिस करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हम लोग सिक्स फेज़ और 12 फेज़ का यूज़ उतना नहीं होता है, और नॉर्मली सिंगल फेज़, टू फेज़ और थ्री फेज़ मिलनी यही यूज़ होते हैं हमारे। हर जगह आप देख लीजिए, बस इसे सिंगल या डबल सर्किट में हम लोग यूज़ करते हैं। तो सिंगल सर्किट के लिए हम जानते हैं 3 वायर होते हैं, और डबल सर्किट के लिए वही 6 वायर हो जाएंगे। और न्यूट्रल का रिक्वायरमेंट कैसा है, एक है या फिर 2 है, तो हमारे कंडक्टर 7 या 8 हो सकते हैं ओवरऑल। तो थ्री फेज़ और सिंगल फेज़ मेन यही यूज़ होता है, और हमारा जो टू फेज़ मेन, यही 3 फेज़ यूज़ होते हैं, और 6 और 12 फेज़ भी यूज़ होता है, लेकिन ये काफ़ी हार्मोनिक्स और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते आते हैं। तो ये जो होता है खिलौने विलौने में मिल जाएगा, बहुत सारे छोटे के जो खिलौने होते हैं उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है इतने हर्ट्स, मतलब इतने 6 या 12 होती है। तो हम थोड़ा सा इसका बेसिक डिफरेंस देखते हैं और इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और इसका रिक्वायरमेंट क्या है, तो सब चीज़ देखते हैं। तो देखिए, थ्री फेज़ जो होता है हमारा, सपोज़ थ्री फेज़ हम जानते हैं कि 3 फेज़ होंगे, एक ये रेजिस्टेंस के लिए, इंडक्टेंस के लिए कुछ ऐसे जाएगा, और कैपेसिटेंस के लिए कुछ ऐसे जाएगा। तो 3 फेज़ होते हैं, और 3 फेज़ में ये बात ये है कि यदि एक फेज़ मैक्सिमम है तो दूसरा 0 होगा और तीसरा जो है माइनस में होगा, लेकिन इस ओवरऑल ये कंडीशन है 3 फेज़ में कि एक टाइम का रिक्वायरमेंट ऐसा है कि एक फेज़ जो होता है वो मैक्स बना रहता है इस केस में। तो यहाँ से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा सेटअप होता है 3 फेज़ से। और सिंगल फेज़ की अगर बात की जाए तो सिंगल फेज़ में कभी सिंगल फेज़ में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप नहीं होता है। इस ये जो होता है टाइम इनवेरिएंट है, लाइक इज अगर एक टाइम की बात की जाए तो ये कभी मैक्स होगा, कभी मिनिमम होगा, कहीं कभी माइनस होगा, लेकिन एक कंटिन्यूटी आपको मैक्सिमम ये प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, जिससे हमारे जो सिस्टम होंगे वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं हो पाते। हम जानते हैं कि सिंगल फेज़ जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होते हैं, और थ्री फेज हम जानते हैं कि ये सेल्फ स्टार्टिंग होते हैं। तो सिंगल फेज लाइक अगर टाइम की बात की जाए कि इनिशियल टाइम की, तो कभी मैक्स, कभी मिनिमम, कभी 0, तो आप एक इनिशियल पॉइंट तक ये मतलब नहीं मिलता हमें मैक्स, और ये जो होता है ये वेरी करता रहता है। और इसमें क्या है कि हमें एक इनिशियल टाइम पे मैक्स मिलता रहता है, जिससे हमारा सिस्टम अच्छे से वर्क कर सकता है, इकोनॉमिकल होगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे कि इकोनॉमिकल कौन है इसमें। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल है। तो बेसिक प्रॉपर्टीज़ यही हमारे। और अगर बात की जाए हमें थ्री फेज़ में, तो हम 3 फेज़ होता है और एक 4 वायर यूज़ करते हैं हम लोग, और जो एक वायर बढ़ता है वो हमारा न्यूट्रल का होता है। हम जानते हैं कि न्यूट्रल जो होती है किसी सर्किट को कंप्लीट करती है, और जो अर्थिंग होती है उसको फॉल्ट के कंडीशन में उसे बैलेंस या फिर प्रोटेक्ट करती है। तो अर्थिंग और न्यूट्रल का बेसिक डिफरेंस हमने इसका वीडियो बना के रखा हुआ है, पहले से आप देख सकते हैं जाके। तो सिंगल फेज़ ये 3 फेज़ और 4 वायर का सिस्टम होता है, और ये लाइक कमर्शियल फिर इंडस्ट्रियल एरिया में आपको मिल जाएगा 3 फेज़ 4 वायर, या फिर 3 फेज़ 3 वायर मिल जाएगा आपको। और जो सिंगल फेज़ 2 वायर जो होता है, ये जो मेथड है हमारा आपके डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए मिल जाएगा, जो जितने भी डोमेस्टिक पर्पज़ हैं हमारे, लाइक जैसे हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये सिंगल फेज़ और 2 फेज़ 2 वायर का सिस्टम होता है। तो ये सिर्फ ओनली डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, लेकिन ये इंडस्ट्रियल और कमर्शियल के लिए 3 फेज़ यूज़ करते हैं। अगर वोल्टेज की बात की जाए तो 3 फेज़ में या 3 फेज़ 4 वायर की हम बात करते हैं, अगर 3 फेज़ 3 वायर की बात करते हो तो 11 kVA तक मैक्सिमम आप ले सकते हैं, लेकिन 3 फेज़ 4 वायर की अगर बात की जाए तो इसमें 440 वोल्ट और 220 वोल्ट आप ले सकते हैं, लेकिन सिंगल फेज़ में आप ओनली 230 वोल्ट ही ले सकते हैं। और यूज़ तो हम जान ही चुके हैं कि इसका जो यूज होता है वो इंडस्ट्रियल एरिया के लिए ज़्यादा मिल जाएगा देखने के लिए, और इसका जो यूज होगा वो हमारे डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज हो जाएगा, या फिर जितने भी छोटे खिलौने हैं, हम जानते हैं कि जो भी है खिलौने होते हैं वो सिंगल फेज ही होते हैं।
रेटिंग की बात की जाए तो इसकी जो रेटिंग होती है वो ज़्यादा होती है सेम साइज़ होते हुए भी। सपोज अगर इसकी भी साइज़ सेम है, कोई हमारा मशीन है और इसकी भी साइज़ सेम है, लेकिन साइज़ सेम होते हुए भी इसकी रेटिंग ज़्यादा होती है। और रेटिंग ज़्यादा होने से हम जानते हैं कि थोड़ा सा कास्ट बढ़ जाएगा, लेकिन वो ओवरऑल क्या होगा, वो इकोनॉमिकल होता है वो सिस्टम। तो रेटिंग इसकी ज़्यादा होती है और ये इकोनॉमिकल होता है। और थ्री फेज़ की अगर बात की जाए तो इसमें जो पावर होता है, इसमें जो पावर होता है वो नियत होता है, ये बैलेंस के केस में, इसमें जो होता है पावर हमारा बैलेंस के केस में नियत होता है। और इस पावर की जो वैल्यू होती है ये 1.5 ई मैक्स आर, ये पावर होती है हमारी। तो ये क्वेश्चन बनता है हमारा, थ्री फेज़ की जो पावर होती है ये होती है, ध्यान दीजिएगा। और इसमें अगर पावर की बात की जाए तो इसमें जो पावर डिलीवर होता है वो पल्सेटिंग टाइप का पावर होता है, कभी मैक्स कभी मिनिमम ऐसे पल्सेटिंग मिलता रहता है। और इसमें जो पावर होता है हम जानते हैं कि फिक्स होता है हमारा पावर। तो पावर हमारा फिक्स है, यानी कि भी किसी भी सिस्टम को इकोनॉमिकल अगर वर्क करना है तो पावर हमें फिक्स ही चाहिए। तो ओवरऑल ये पावर फिक्स होता है, और इसका जो पल्सेटिंग पावर होता है हमारा, इसका सिंगल फेज का, तो पल्सेटिंग पावर जो होता है हमें उतना अच्छा नहीं है सिस्टम को वर्क कराने के लिए, तो ये पल्सेटिंग पावर देता है। अगर वैल्यूम की बात की जाए, कापर जो हमारे कंडक्टर यूज़ होते हैं, तो इसमें 75% तक सेविंग होती है हमारी, क्योंकि वोल्टेज फिक्स होता है इसमें, और लंबी दूरी जो भी हो हम लोग ट्रांसमिट करते हैं कंडक्टर, तो उसमें जो मटेरियल थ्री फेज़ का सिस्टम यूज़ करने से हमारे यहाँ पे 75% सेव हो जाता है हमारा जो मटेरियल यूज़ होता है, एल्यूमिनियम या फिर कापर जो भी यूज़ करें। और इसमें जो सेविंग होती है वो 25% तक होती है। और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हम जानते हैं कि यहाँ सेटअप हो सकता है और यहाँ पे सेटअप नहीं होगा। इस रोटे जैसे कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर की बात कर लें, हम जानते हैं कि वो सेल्फ स्टार्टिंग होता है, और सिंगल फेज की बात करें तो वो नॉट सेल्फ स्टार्टिंग होता है, उसे हम लोग फेज स्प्लिटिंग करते हैं। मेन वाइंडिंग के साथ एक रनिंग वाइंडिंग लगाते हैं जिससे हमारा फेज स्प्लिटिंग होता है, जिससे हमें 5 मैक्स जो होता है वो दो पार्ट में मिल जाता है, एक प्लस और एक माइनस, और उसके बीच का स्पेस एंगल मिल जाता है हमें। तो यहाँ से हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ से टॉर्क डेवलप करते हैं फेज स्प्लिटिंग करके। और थ्री फेज में क्या होता है कि इसकी जो पावर फैक्टर होती है वो थोड़ा सा अच्छा होता है, और इसकी ओवरऑल इफिशियंसी भी अच्छी होती है इसके कंपेयर में। और हम जानते हैं कि यहाँ पे जो टार्क होता है वो हमारा यूनिफॉर्म टार्क मिलता है हमारा थ्री फेज इंडक्शन मोटर में, लेकिन यहाँ पे जो टार्क मिलेगा वो हमें पल्सेटिंग टार्क मिलेगा हमारा। और सबसे बड़ी बात यह है कि थ्री फेज सिस्टम को आप स्टार और डेल्टा में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन सिंगल फेज को आप नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। और स्टार और डेल्टा का यूज़ तो काफ़ी है, किसी भी मशीन को हम लोग जानते हैं कि स्टार में यूज़ करते हैं और डेल्टा में रन कराते हैं। और भी इंसुलेशन हमारा, इंसुलेशन का जो रिक्वायरमेंट होता है वो भी कम होगा अगर सिस्टम हमारा स्टार में है और लोड जो होता है वो डेल्टा में होता है। तो कई सारे हमारे एडवांटेज हैं हमारे थ्री फेज़ के, और सिंगल फेज़ अनइकोनॉमिकल है लेकिन फिर भी यूज होता है और कास्ट भी कम है। तो थोड़ा सा इसका हम एक न्यूमेरिकल से समझते हैं कि कास्ट इसमें जो सेविंग होती है, खासकर सेविंग से तो क्वेश्चन बनता है, और थ्री फेज में सेविंग ज़्यादा होती है इसलिए हम इसी को प्रीफर करते हैं। तो देखते हैं, थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस से समझने की कोशिश करते हैं कि किसमें क्या कास्ट लगती है और क्या है। तो ये एक न्यूमेरिकल है, ये जो 230 वोल्ट है सप्लाई और सिंगल फेज है, और ये हमारे तीन लोड हैं जिनकी रेटिंग 100-100 वाट है। और यहाँ पे हमने थ्री फेज सिस्टम यूज़ किया है, यहाँ पे सिंगल फेज, और हम जानते हैं कि थ्री फेज का जो सिस्टम होता है उसमें लोड को हम लोग डेल्टा में भी कनेक्ट कर सकते हैं। और तो यहाँ से हम देखते हैं सिंगल फेज में, हम जानते हैं कि इसको हम लोग ना तो डेल्टा में ना ही स्टार में किसी भी कनेक्शन में नहीं कर सकते हैं सिंगल फेज को। तो यहाँ के अगर बात की जाए, हमें लाइन करंट निकालनी हो चाहे फेज करंट, इसमें पर फेज की एनालिसिस कर लें या फिर लाइन की एनालिसिस कर लें, तो इसे निकालने के लिए हमें सिंपल वही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे जो P बराबर V इंटू I होता है। तो यहाँ से जो करंट होगी पावर अपान वोल्टेज हो जाएगा, और पावर हम जानते हैं यहाँ पे इन टू इन कनेक्शन है, तो 100-100 वाट हमारे पावर हो जाएंगे, तो ये ओवरऑल 300 वाट पावर हो जाएगा, और जो सप्लाई है वो 230 वोल्ट है। तो इसकी जो करंट आएगी वो 1.3 एम्पियर की करंट होगी, जो हमारी यहाँ पे लाइन की करंट होगी।
और पर फेज हर एक फेज में 1.3 एम्पियर की करंट जाएगी। तो अब बात करते हैं इसकी, तो ये जो हमारा सिस्टम है ये हमारा डेल्टा में है, और डेल्टा में हम जानते हैं कि जो लाइन वोल्टेज होता है वो फेज वोल्टेज के बराबर होता है, लेकिन जो लाइन की जो करंट होती है √3, और ये फेज √3 टाइम्स फेज के करंट के मल्टीपल में होती है। तो यहाँ से अगर हम फेज करंट निकाल लें इस इक्वेशन से, फेज करंट निकालें यहाँ से, तो यदि फेज करंट नहीं निकालना चाहते आप, अगर लाइन ही करंट हम निकाल लेते हैं यहाँ से, तो ये √3 हो जाएगा हमारा इस इक्वेशन से √3। और जो हमारा फेज करंट होगी, तो सिंपल फेज करंट जैसे हमने यहाँ पे फेज करंट निकाला है पी और वी का यूज़ करके, तो सिंपल यहाँ पे भी हम फेज का यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे जो यहाँ का पी अपन वी, यही फेज की फेज करंट यूज़ करने के लिए पी अपन वी यूज़ करेंगे, और यहाँ पे जो पावर होगा वो हमारा 100 वाट होगा, क्योंकि ये पैलर में है। हमारा जो डेल्टा का जो सिस्टम होता है वो पैलर में होता है, और पैलर के केस में आप सिर्फ एक ही को एनालिसिस कर सकते हैं, तो ये तीनों एक दूसरे के पैलर में, तो हम 100 वाट का ले सकते हैं सिर्फ। तो पावर 100 वाट हो गया और वोल्टेज हमारा 230 वाट हो गया। तो यहाँ से आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी जो करंट आएगी वो 0.75 एम्पियर आ जाएगी यहाँ पे लोड की करंट। तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे सिंगल फेज यूज़ करने से जो हमारा करंट है ज़्यादा हो रहा था, तो करंट ज़्यादा होगा तो हमारा आई स्क्वायर का लॉस जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, और करंट ज़्यादा होने से हमारा जो कंडक्टर का जो एरिया होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, जिससे हमें ओवरऑल कास्ट भी बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे करंट हमारा कम है तो यहाँ पे हमारा लॉसेस भी कम होंगे, और सिस्टम इकोनॉमिकल भी होगा, कंडक्टर की सेविंग भी होगी। तो मेन रिक्वायरमेंट ऐसा यही है। हम जानते हैं कि 3 फेज की जो सिस्टम उसे से डेल्टा या फिर स्टार में आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपने एज टू रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो एक न्यूमेरिकल से माध्यम से यही था समझाने का कि कैसे मेन डिफरेंस है सिंगल फेज और 3 फेज में, और बाकी जितने भी कंपैरिजन है वहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं तो उन सबों को मैंने बता दिया है। फिर भी आपको इस टॉपिक में अगर सिंगल फेज या 3 फेज में कोई कंसेप्ट अगर नहीं समझ में आता है, या फिर आपको अगर क्वेश्चन डेवलप हो रहे हैं माइंड में, तो कमेंट ज़रूर कीजिए उसको, फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको अपलोड करूँगा मर्ज करके। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो ज़रूर पसंद आया हो, तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें, तो बस बने रहे हम लोगों के साथ। थैंक्स।